घुस रही। अरे हम तो का बुआ देती है ना, कही की बुआ देती हो, हर बात की उल्टमान से रहते, पचास ताई का समझा ना, ये करके बात है भाव जयंती करा का मारा फड़प। तो कौनी तुम हमारी सरहजे लगती हो काकी? हेलो, और ये आ गए सुधीर लोहार भैया की तरफ से, ये 10 रुपए काकी तुम्हारे लिए आए हैं, ले लो काकी, तनी बीड़ी पियो। कोई अच्छा तो तब खोए खाओ, काय लहगन तब ते सब बवाल छोड़ दे। अच्छा तो पुड़िया खाए लगी हुई है, जी जी नहीं दिखाती है जो है बिटिया हमारी घर में है, फालतू में हम नहीं घूमई दे। काहे जबाना खराब है बिटिया, लड़की घुमावे वाला आजकल है भाई, काहे बजे नहीं घुमावे वाला, जैसे घर में बिटिया है तो यू ना समझो बिटिया है, तू समझो काला नांग है घर। हाँ यह तो बात काफी सही है, इधर इधर बदिका है बिटिया लड़की, आजकल ककरी इतना बचाई जाती। अब काकी बिटिया लड़की आजकल भूत इतना महाकत्यू तो है, सुधर जाई हो भैया। अच्छा काकी हम चली थी, हमका हो दे देर, हमका दुर्कैया चबाए कहे, यही का दुर्कैया चबा का देखे हो, खूब बूढ़े तो चिक्के लड़ावे लगते। कहे का है? अरे तुम सामान इकट्ठा लाई दो तो है खुद चबा ले है। जब तुम्हारी पतवाहन के यहाँ सामान दी भी तब है तो चबाई है कि पहले चबाई ले है? यू बताओ पहले, आज हमने बिटिया रेखा का पढ़ाई नहीं जाई है का? तैयार होती हुई तो जाइबे कि नहीं, जब टाइम हो जाए तो चली जाए स्कूल, काहे मरी मरी जाती है? वह कहता नहीं खन भवा हज पता नहीं है जई है स्कूल ले तो नहीं जई है स्कूल, पर जब पढ़ती है तो पढ़ाई जाइबे करे हैं, और हम तो भगवान ते मनाई थे, जैसे तुम अपनी बिटिया पढ़ोती हो ऐसे ही भैया सब कोई अपनी अपनी बिटिया लड़का मनो कोई हो पढ़ावत जरूर रहो, भले कुछ तकलीफ उठा दे लेकिन पढ़ाई हो जरूर, काकी जैसे हमने तकलीफ उठाई पढ़ाए रही, और अगर कहीं उन्नति हुई गई काकी के तो काकी को नौ गाँव बड़ैला मैया हो गई कि फलाने के बिटिया क्या खुआ नौकर हो गए। और बताओ बात क्या रेखा, और बताओ बात क्या रेखा, कि क्यों उदास
दिल में ना जाने क्या हो जाता है, मुझे सबर नहीं होता। उरिया की बापू की मैया दिलावो, कितनी याद मत करो मैया। का करे पोत, आदि बड़ी रहते है मगर बिटिया कही पढ़ाई जाती हो? जाती हूँ माँ, पढ़ाई पैसा लागते है पोत। सच कहती हूँ मेरी माँ। यू कब हो नहीं बतायो कि हम पत्र नंबर आ गया हन की कहन। पत्र नंबर नहीं, फर्स्ट नंबर ये बोला करो माँ। क्या जानना चाहती कहो बिटिया। देखिए काली खत्म पढ़ती है, देखो वह पता है क्या है और पढ़ाई का क्या है। हाँ भैया समाचार रे, पढ़ाई का क्या है समाचार रे। पढ़ाई का क्या है समाचार रे, पढ़ाई के विषय में जानना चाहती हूँ तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। पढ़ाई की आज कितनी इच्छा थी मैया, मेहनत पढ़ाई में करती हूँ। हेलो, और ये साजन दादा और ये दिनेश दादा दोनों लोग मिलकर ये तुम्हारी पढ़ाई के लिए 50 रुपए दे रहे हैं और पढ़े रहे हो। गरीबों के लिए सिर्फ भगवान ही होता, क्यों नहीं इंसान होंगे। मैया तू कितनी अच्छी है मेरी प्यारी मैया।
भाजपा के कार्यकर्ता ये आ गए हैं, दिनेश पाल भाजपा के कार्यकर्ता, ये दस नोट कलम बंद इनाम दे रखा है। उन्होंने कहा है, हे बूढ़ी अम्मा, तुम्हारी लड़की पढ़ने के लिए कॉलेज चले पढ़ते रहे, हम पढ़ावत नहीं पा। हाँ, पढ़ावत रहो, कॉलेज कहीं जाए चिंता ना करो, पैसा सब लोग देते रहे हैं, वो दे, ये दे ले जेबम धर ले। अब बिटिया हमारी पढ़ाई गई है, पति हो सब हम पर चला ली थी, यहाँ ना बताए जाए कहाँ दवा धरे रहा है, अब हमका ढूंढने का पर दवा। अरे काकी, कई दिनों के बाद मुलाकात आपसे हो रही है। काकी, आज हम आपके झोपड़ी आए हैं तो समझ लो कि मालो माल करने के वास्ते। वाह, तो हम सुनैया है ना काकी, अखिल लाला मुनि हमरी बड़ैया आए तो काहे आए। काकी, एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। हमने सुना है कि तुम्हारी जमीन 2 एकड़ नहर चौराहा के सूरजपुर के पूर्व साइड में है। 2 एकड़? हाँ, 10 बीघे है। हाय काकी, उसी जमीन के वास्ते हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, हाय वो काकी बात, काकी काश हमारी बात मान गए तो समझ लो मालो मालो। हाय वो काकी बात मालो कर तुम्हें मानो तो तुम्हें एक राज बतलाऊं, जिंदगी बीत जाएगी तुम्हें अंदाज बतलाऊं। लाला मुनीम, यू तुम्हार हम लाला यू आल्हा नहीं जान पाएंगे। अरे काकी, सब समझ जाओगी। तुम्हारी जो 10 बीघे जमीन है, हमारे कहने का मतलब है कि हमारे मालिक ठाकुर अरविंद सिंह उर्फ ठाकुर के नाम कर दो, जिसका मुंह मांगा पैसा तुम्हें 1.5 लाख मिल जाएगा। सुना है कि तुम्हारे 2 बेटियां भी है, है? राम जाने, अरे आपकी जो 2 बेटियां हैं, 50,000 अपने खर्चा के वास्ते अपने पॉकेट में डालना, 1 लाख रुपए जाकर मछरेटा बैंक बैलेंस कर देना, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, 8 से 16, अरे राम जाने अनेकों पैसा आपके पास हो जाएगा। जाकर के बरेला के पश्चिम साइड जो झाबर पड़ा है, उस झाबर में, अरे 2 एकड़ की बात छोड़ो, 10-20 एकड़ जमीन ले लेना। काकी, अब तुम बहुत जल्दी के साथ अंगूठा लगाओ, अब से लो पैसा, जमीन नहीं बेचिबा। क्या बात करती हो काकी? हाँ, अरे बताओ, यह हम ना करी चला की काकी की 10 बीघा जमीन रहा है, तब को मर के देखो काकी 10 बीघा जमीन बेच दे। अरे तुम्हारा पैसा नगद देंगे। अरे क्यों? अरे महिमा भले समाते है। अरे काकी, अरे चलो हम तुम्हारा भाई, अरे अरविंद सिंह उर्फ ठाकुर जो बड़े मालिक है अपने सूरजपुर नहर चौराहा के, उनसे बताए दे,
की हमारी जमीन पर देखी है ना भूमि का। क्या बात करते हो काकी? क्यों प्रधान करी भाई सी जाते हैं। साले ऐसा दिलवा रहे हो है। लाला वैसे मजा आएगा वह हुई काहे को? अरे ये परी चप्पल भारत देश ने तो आखिर तुझे चम्मच निकारा हुई निकारत तो हम देखेंगे। तो साले जब निकालते देखा था रोक नहीं पाए थे। हाँ मौका मिला वो तारी भरा भरू दे रहा कि हम कहें मान लो लाला के प्रति कोई बात नहीं है। अच्छा और हम इज्जतदार आदमी अगर हमारे दुचार पर गई तो हम मुँह कहाँ दिखाईबा। अच्छा एक ही बात हम कर्म निकल लो ही थे तो साले हमें पिटवा दिए और तुम निकल लिए लौकर। हाँ। एक काम करो चलो या बात आज तुमका चलाओ वह पेपर निकलवाई। अरे उल्लू के पट्टे पेपर में निकलवाने से और दाम हो जाएगा कि लाला आज चप्पलों से मारे गए। तुम्हारे नाव नाई मुँह चली गई की लाला। अरे जाहिल गवार एक काम करो इस बात पे कम से कम 220 ट्राली माटी डाल दो। और को डाल दी माटी होई माटी है सुराख गरगर गरगर ने कराई ला के। एक काम करो भैया तुम जाओ तुमसे हम बहुत परेशान हो गए। का है चलो आज मालिक से ऐसी आग लगाऊंगा मालिक से ऐसी आग लगवाऊंगा कि बड़ैला गांव में तबाही तबाही बच जाएगी। आज से दौलत की जंग यहाँ से शुरू करता है लाला लाल बिहारी। अभी तक आया नहीं लाला लाल बिहारी बड़ैला गांव में जमीन लिखाया ही पहले तेरी है। बहुत बढ़िया रहा है मालिक का सुनी हो सुनो भी मारे कहे करियाए कहे मारे कहे करियाए कहे मीना के हाथ लाला क्यों रे छतांगुर उल्लू के पट्टे साले गधे क्यों मुंह देखो कैसा सोड़तना बना रहा क्यों रे क्या कहा मीना ने रे कुछ कहा नहीं जाता और कहे बगैर कुछ रहा नहीं जाता मालूम तो क्या कहूँ आपसे हाय मालिक मेरे मालिक वहां का हाथ साफ से बताऊंगा ऐसा ना हो कि आपके पैरों की तले की जमीन खिसक जाए। तो आपसे क्या कहूँ और मालिक मेरे हाय जो सितम ढा गया आज का दिल है। Bye.
नमक खाया और कोई इंसान मुझे गाली दे तो मेरा नमक नहीं कदा कर सकता है, तो उस बुढ़िया से नहीं जीत सका। मालिक जैसे बुढ़िया से मार खा के आया है उल्लू के पट्टे, उसकी जमीन की लिखा पढ़ी कर रहा था, कर रहा था, पीछे से आकर के चप्पलों से बहुत मारा, पकड़ नहीं पाया था। है नौकरवा जो देखता था, हाँ, वो साला हमसे पहले भाग निकला। वे साले गधे उल्लू के पट्टे, तू मार खा के आया है और मुझको गाली दिया है मीना ने। इतना ही नहीं सुन के चाह कहा कि जाकर अपने अरविंदा से कह देना, हाँ, कि हमारी जमीन की तरफ नजर उठा के देख लेंगे, जमीन के विषय में कहेंगे तू साले है नमक हराम, तू साले है टुकड़े खोर, आबाद आ रही है। इसी वक्त हमारा दोस्त, हमारा यार, हमारा मित्र अमित राजवंशी होता तो या उसकी जमीन लिखवा कर आता या उसकी जान लेकर आता। किसकी बात करते हो? हमारे कहने पे अमित राजवंशी ने एक लड़की का रेप कर दिया था, उसे कुछ दिनों की सजा हो गई थी, उस जेल में है, जेल से छूट के आ गया तब हम मीना को देख लेंगे। ये आपकी भूल है मालिक। क्यों? आज हम और नौकरवा, हाँ, तो जब परैला से वापस आ रहे थे, हाँ, तो सूरतपुर नहर चौराहे पे जब जब के शराब पी रहे थे। अरे बोलो ना रे, क्या हमारा यार छूट के आ गया है क्या? अरे पुलिया पर बैठ खूब शराब हन की रहे रहा है, हम दो दिन देखे ना, हम घर लौट के मिली भी चले मिले नहीं, गायब हो गए। तो मेरा यार छूट कर आ गया है। हाँ, एक काम करो, एक काम करो, मेरे आज्ञा के अनुसार मेरे हुक्म का पालन करो, हमारे यार अमित राजवंशी को मेरे सामने पेश करो। फोन लगा का भय लगाए देते 99 56 86 2 4 83। हेलो, हम चौपाल से नौकर बोल रहे हैं। बड़े मालिक आपको चौपाल पे याद किया है, शीघ्र ही पधारे। का पुलिया पर आ गए हो? खे भैया, यहाँ का बात करने को सही हो तो नहीं तो देखो, हम बहुत खाए कम्बन होते हैं, तुम हमारी बदिया निरोध के पुड़िया ले आयो। हाँ, संजोग के, संजोग के, हाँ, निरोधक नहीं करी कहा मालिक, आओ आओ आओ। मैं जोड़कर अर्ज दस्त बस्ता यही जनाब करता हूं, अपने दोस्त ठाकुर अरविंद सिंह को नमस्कार। आज मैं क्या देख रहा हूं, जब कभी आता था तो हमारा दोस्त हमेशा खुश नजर आता था, होठों पे दबी हुई सिगरेट होती थी और चेहरे पे मुस्कान। आज क्या बात है मेरे यार? और दोस्त तुम्हारी, अरे आंखें क्यों और झुकी हुई है आप?